हे गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज शाइनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल विद एन अनदर वीडियो ऑफ साड़ी रिपिंग एंड साड़ी स्टाइलिंग। आज के वीडियो में हम बहुत ही इजी वे में साड़ी की प्लीज बनाना सीखेंगे। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आपने आज तक साड़ी पकड़ी भी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी साड़ी की डिटेल हो जाए। साड़ी जो है वो एक सॉफ्ट कॉटन सिल्क साड़ी है एंड इसकी परचेज़ करने के लिंक साड़ी परचेज की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेंगे एज इट वॉज परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट। बट ये पिंक सिल्क ब्लाउज जो मैंने साड़ी के साथ पेयर अप करी है, इसकी बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए है इन केस यू नीड दैट। एंड बाकी अवेलेबल एक्सेसरीज की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। एंड टुडे साड़ी इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लू वन जिसमें पिंक एंड ऑरेंज बॉर्डर दोनों ही है एंड एज मैंने पिंक बॉर्डर साड़ी की बॉटम में रखी है तो आई वोट दिस पिंक ब्लाउज। आप भी साड़ी पहनते वक्त अगर मिक्स एंड मैच कर रहे हो विद योर ब्लाउज देन छोटी छोटी इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। एंड और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, साड़ी की जो कीमत होती है वो उसकी खरीदने से नहीं बल्कि उसे सही तरीके से ड्रेप करने से यानी पहनने से होती है ना। अगर आपने हैवी से हैवी साड़ी खरीद लिया एंड उसको ढंग से नहीं पहना हो तो उसकी कीमत क्या होता है, वो घट जाती है। वैसे ही अगर आप एक नॉर्मल साड़ी, ऐसे कोई भी साड़ी हो, उसको अच्छे से ड्रेप करोगे एंड स्टाइलिंग करोगे तो उस साड़ी की कीमत भी प्राइसलेस हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को गाइड करूँगी सिंपली कुछ ही स्टेप्स फॉलो करके आप कैसे साड़ी ड्रेप करोगे। तो वॉच द फुल वीडियो विदाउट एनी स्किप और वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव अ थम्स अप। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनर है तो मैं बता दूं, ये टसल दी गई पार्ट होगी हमारी पल्लू और ये वाली एंड होगी भीतर की पार्ट जहाँ से हमें टकिंग करनी है। आंचल कौन सी है वो आपको देख के ही पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टकिंग से। शेपवेयर या पेटीकोट वो आप अपने हिसाब से पहने, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। एंड बाहर जाते टाइम फ्लैट्स या हील्स जो आप पहन के जाओगे वो पहन के ही साड़ी ड्रेप करें टू डिटरमाइन द परफेक्ट फॉल ऑफ द साड़ी। एंड पेटीकोट या शेपवेयर जो भी आप पहने, मेक श्योर उसकी लेंथ नीचे आपकी एरी जितनी ही होनी चाहिए, ज़्यादा लंबा ना पहने। साड़ी की लेंथ को ज़रा सा ग्राउंड टचिंग रखते हुए हम टकिंग स्टार्ट करेंगे, एकदम अपने राइट साइड से, ना मिडिल ना लेफ्ट साइड। ओके, तो टकिंग बहुत अच्छे से इवनली करें। जैसे कि दिस इज़ अ बॉर्डर साड़ी तो मैंने मेजर करके ऊपर की बॉर्डर बराबर साड़ी को टक करना स्टार्ट करा है। एंड बिगिनर है तो मेरी एक एडवाइस यही रहेगी, साड़ी फैब्रिक वाइजली चूज़ करें जिसे पहनने में आसानी हो। फर्स्ट थीक एंड हैवी साड़ीज अवॉइड करें, एक बार अच्छे से सीख ले फिर ट्राई करें। और सीखने के लिए मेरे चैनल को एक्सप्लोर भी कर सकते हो, आपको बहुत ड्रेपिंग वीडियोस मिल जाएंगी फ्रॉम कॉटन टू बनारसी साड़ी एवरीथिंग। एंड जैसे कि आपने देखा, बेसिक एक राउंड टकिंग हमारी कंप्लीटेड है। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे अपने पल्लू की फैब्रिक पे एंड बाहर की बॉर्डर जो मैंने लेफ्ट हैंड से पकड़ी है दैट वुड बी द फ्रंट मोस्ट शोल्डर प्लीट एंड भीतर की राइट हैंड वाली बॉर्डर जिसे हम पकड़ते हुए पल्लू तक पहुँचे दैट वुड सीट ऑन आर बस्ट। तो हम बस्ट वाली बॉर्डर से प्लीट को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे एंड पल्लू वाली प्लीट पतले पतले बनाएं। और मैंने उसी हिसाब से बॉर्डर वाइज फैब्रिक को अपने दोनों उंगलियों की हेल्प से, देखिए इस तरीके से जिगजैग वे में रैप करते हुए जाएंगे। आपके पास कोई भी फैब्रिक हो तो आप अभी के अभी अपने उंगलियों के इस्तेमाल करके फैब्रिक पे ऐसे आसानी से प्लीट्स बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पल्लू वाली फैब्रिक को ऐसे प्लीट्स में अरेंज करने के बाद अच्छे से एक बार झटक ले ताकि क्रीज लाइन प्रोमिनेंट हो जाए। और आपको फर्स्ट वाली शोल्डर प्लीट को बाकी दूसरी भीतर की प्लीट्स के तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा वाइडर बनानी है ताकि नीचे की प्लीट्स बाहर आती हुई ना दिखे। बट शोल्डर प्लीट्स या पल्लू की वाइडनेस ठीक आपके शोल्डर जितनी ही चौड़ी होनी चाहिए ताकि पल्लू शोल्डर से बाहर ना लटके। ओके, सो पल्लू बनाते टाइम इन तीन चीज़ों का खास ध्यान रखें। अब साड़ी एंड को इवेंटली एक साथ ऊंचा पकड़ ले ताकि एक टाइम में आप ज़्यादा लेंथ तक पल्लू की पार्ट को अरेंज कर पाओ। सी, बहुत ही इजी है राइट। एंड दिखने में जितनी इजी है, ट्रस्ट मी, प्लीज बनाना उतनी ही इजी है। अब हाथ को शिफ्ट कर ले ताकि और थोड़ी सी लेंथ तक हम ऐसे फिर से पल्लू को अरेंज कर सकें। शुरू में आपको प्रॉब्लम हो तो पल्लू की एंड में और जहाँ से मैंने लेफ्ट हैंड में पल्लू को पकड़ रखी है, सिक्योर बोथ ऑफ द पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन्स। एंड फैब्रिक पे अनवांटेड होल्स एवॉइड करना चाहते हो तो नॉर्मल कपड़ों वाला क्लिप भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इवेंचुअली वी आर गोना रिमूव ऑल द पिन्स आफ्टर सिक्योरिंग द पल्लू विद द ब्लाउज फैब्रिक। एंड हाथ से पकड़ के प्लीट्स अरेंज करने में प्रॉब्लम होती हो तो सेम चीज़ आप ऐसे शोल्डर पर रख के भी कर सकते हो एंड आई विल शो यू हाउ। बट फर्स्ट चेक दिस, आपको पल्लू की एक राउंड जब घुमा के सामने से लानी है तब शोल्डर से पल्लू की लेंथ पीछे थोड़ी सी लंबी रखें, घुटनों के थोड़ी सी नीचे तक, क्योंकि पल्लू लंबी होने से आपकी अपीयरेंस टॉलर लगती है। तो अब देखिए, शोल्डर पे पल्लू को रख के आपको ऐसे ही एक एक करके प्लीट्स को अरेंज करते जाना है एंड इट इज़ ऑल्सो ईजी राइट। तो अब एक सेफ्टी पिन लेके पल्लू को सिक्योर कर दे,
क्योंकि रिक्वायर्ड लेंथ तक हमने पल्लू बना लिए हैं। थोड़ा सा पीछे पिन लगाएं, बट पल्लू को ब्लाउज से अभी सिक्योर नहीं करनी है, वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि फ्रंट प्लीज बनाते टाइम कोई ज़्यादा कम हो जाती है तो वी कैन फिक्स दिस बाई यूजिंग द पल्लू फैब्रिक। इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट टू कीप योर पल्लू अ लिटिल लोअर देन योर नी। अब पल्लू को एक राउंड घुमाकर प्लेस इट ऑन योर लेफ्ट शोल्डर एंड इवेंचुअली एक राउंड घूम के आने के बाद लेंथ थोड़ी सी कम हो ही जाती है, राइट? तो ये सेफ्टी पिन वाली पार्ट होगी हमारी मार्क, जहाँ से हमें एंड में पल्लू को सिक्योर करनी है। तो अब हम बनाएंगे फ्रंट प्लीट्स, एंड फ्रंट प्लीट्स बनाते टाइम अपनी साड़ी की फैब्रिक को ऐसे पकड़ ले दोनों हाथों से। अब राइट हैंड साइड से थोड़ी सी फैब्रिक छोड़ के हमें प्लीट्स बनाने हैं, एंड ऐसे साड़ीज में हम मीडियम साइज़ के प्लीट्स बनाएंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ीज में ना हमें क्या होता है, हमें चौड़े प्लीट्स बनाने होते हैं, लेकिन जैसे कि ये एक सॉफ्ट कॉटन सिल्क साड़ी है बॉर्डर वाली, तो हम इसमें मीडियम साइज़ के प्लीट्स बनाएंगे। और आप बिगिनर हो तो मेरे उंगलियों को ध्यान से देखें कि कैसे मैं थंब एंड लिटिल फिंगर के अराउंड जिगजैग वे में प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान है। और जैसे कि मैंने पल्लू बनाते टाइम बोला, आपके पास कोई भी फैब्रिक अगर अवेलेबल है तो अपनी उंगलियों से इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए प्लीट्स बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीट्स अरेंज करने के बाद लेफ्ट हिप के यहाँ से साड़ी बॉर्डर को ऐसे इन कर ले नियर योर बेली बटन। और एक और काम करना है, बट उसके पहले प्लीट्स को अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले प्लीट कॉर्नर्स को मिला ले इवन करने के लिए विद वन अनदर। देन फर्स्ट की ये जो प्लीट है उसको ओपन करके राइट साइड की फैब्रिक को ऐसे ऐड कर ले जो हमने प्लीट्स बनाते टाइम पहले छोड़ दिया था विद द फर्स्ट प्लीट ऑफकोर्स, ताकि फर्स्ट वाली प्लीट थोड़ी सी वाइडर बन जाए। आई नो बिगिनर हो तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप फ्रंट प्लीट्स बनाओगे तो यू विल फेस दिस प्रॉब्लम कि फर्स्ट प्लीट राइट की ओर मुड़ी हुई रहती है, अनलाइक अदर प्लीट्स फेसिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए डू फॉलो दिस स्टेप, और समझने के लिए एज आई सेड डू प्रैक्टिस, आप देखोगे ऐसा ही होता है। ऑल राइट, आफ्टर डूइंग दिस सारे इनर कॉर्नर्स को पैरेलल कर ले विद द आउटर कॉर्नर्स, ताकि दोनों कॉर्नर्स आपस में इवन हो अलोंग विद द फर्स्ट फोल्ड। अब सारे फोल्ड्स को भी अच्छे से पकड़ के झटक ले। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इफ़ यू आर वेयरिंग शिफॉन और जॉर्जेट साड़ी, प्लीट्स बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन सिल्क साड़ीज में कभी कभी प्लीट्स के नीचे वाली बॉर्डर की वजह से अपने आप अरेंज नहीं हो पाते, तो हम मम्मी का या जो भी है उनका हेल्प लेते हैं, राइट? बट इफ़ देयर इज़ नो वन टू हेल्प, देन अपना हाथ ही जगन्नाथ। तो अब आपको ये ट्रिक फॉलो करना है, एंड प्लीज को फोल्ड्स में अरेंज करके थोड़ा ऊपर उठा ले ताकि आपकी हाथ साड़ी बॉर्डर तक पहुँच जाए। अब फोल्ड्स वाइज प्लीज को संवार ले, बट प्लीट्स को अनफोल्ड करते टाइम बी केयरफुल, क्योंकि अपना ग्रिप ना छोड़े, नहीं तो बनी बनाई प्लीट्स बिखर गए तो फिर से बनाने पड़ सकते हैं। सो धीरे धीरे केयरफुली छोड़े। नाउ सिक्योर द आउटर कॉर्नर्स विद द स्मॉलेस्ट सेफ्टी पिन, एंड इसे छोड़ के आ जाइए अपने कमर वाली साड़ी बॉर्डर पे, जहां आपको साड़ी बॉर्डर को सीधा रखते हुए खींच के अपने बेली बटन तक लाना है, एंड बॉर्डर मुड़नी नहीं चाहिए। और इसे ऐसे तिरछा पकड़ते हुए इस बॉर्डर को हम कर देंगे सिक्योर एक सेफ्टी पिन से, वो भी अपने शेप वेयर या पेटीकोट को साथ में लेके। इससे आपकी लेट वाली कमर, ये जो फैब्रिक है, ये एकदम टाइट फिट एंड क्लीन दिखती है। और हिप प्लीट्स बनाने के कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना है तो सिंपली फॉलो दिस। और हिप प्लीट्स कैसे बनते हैं अगर वो देखना है तो ऊपर स्क्रीन में दी गई लिंक पे क्लिक करके अभी के अभी देख सकते हो। एंड आई एम ट्राइंग दिस ड्रिपिंग एज सिंपल एज पॉसिबल, सो नेक्स्ट एक एक करके सारे प्लीट्स को अपने नेवल के पास पकड़ ले ताकि कोई भी प्लीट्स भीतर छुपी ना रह जाए, एंड टक इट इन टू योर शेप वेयर एक ही बारी में। एंड आप चाहो तो प्लीट वाली ये जो पिन है वो निकाल भी सकते हो और रख भी सकते हो, और राइट साइड वाली एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैनेज करके वही पे टक कर दे। ओके, नाउ लेफ्ट हिप वाली साड़ी बॉर्डर को टाइट रखते हुए पल्लू पे आ जाइए। अब पल्लू के प्लीट्स को वन बाय वन अरेंज करना चालू करें ताकि सारे शोल्डर प्लीट्स विजिबल हो, क्योंकि पल्लू पे जितनी प्लीट्स होती है दिखने में वो उतनी ही सुंदर लगती है। एंड प्लीट्स को अरेंज करते टाइम कमर की राइट साइड पे भी प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करें ताकि फ्लफी ना लगे एंड सारे फोल्ड्स इवन एंड मैनेज दिखे। अब आप देख रहे होंगे ऊपर की बॉर्डर समॉट फ्लफी लग रहे हैं, लेकिन उसको टाइट करने के लिए हम दो रास्ते अपना सकते हैं। फर्स्ट, पुल द इनर साड़ी बॉर्डर टूवर्ड्स यू एंड पुश दैट बिहाइंड, बट इससे शोल्डर प्लीट की कॉर्नर छोटी बड़ी हो जाती है, तो हम फॉलो करेंगे द सेकेंड वे। सो चेक दिस आउट, फ्रंट प्लीट्स बनने के बाद आपके साथ
कुछ ऐसा होता है तो बॉर्डर को टाइट रखते हुए अपने शोल्डर की वहाँ ऐसे छोटी सी एक फोल्ड बना ले एंड उस फोल्ड को अंदर कर ले बिहाइंड योर शोल्डर प्लीट। नाउ सिक्योर द पल्लू विद योर ब्लाउज फैब्रिक। सो देखा ना आपने शोल्डर प्लीट लास्ट में सिक्योर करने के फायदे। अरेंज पहले से करें क्योंकि लेफ्ट ओवर फैब्रिक से हमें फ्रंट प्लीट्स बनाने में आसानी होती है, बट सिक्योर लास्ट में करें ताकि साड़ी मैनेज करना आसान हो। एंड आई विल सजेस्ट शोल्डर वाली पिन आप हाथ थोड़ा सा पीछे लेके ही सिक्योर करें, इससे पल्लू अच्छे से सेट होती है। बट एक और टिप आपके लिए है, अगर आप कोई भी अनमैनेजेबल फैब्रिक जैसे कि सिल्क साड़ीज या बॉर्डर साड़ी या स्टोन वर्क वाली हेवी साड़ी ऐसे प्लीट्स में अरेंज करके पहन रहे हो तो पल्लू को ऐसे पकड़ के अपने ब्लाउज के नीचे की बॉर्डर पे एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लेके अंदर से सिक्योर कर ले ताकि ऊपर से दिखाई ना दे। यू कैन ऑल्सो टेक समवंस हेल्प अगर हाथ पीछे लेके ये करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये ज़रूर करें। तो हमारी पल्लू एकदम सेट हो चुकी है, सो व्हाट्स लेफ्ट एंड दैट इज़ टू सिक्योर योर फ्रंट प्लीट्स अलॉन्ग विद योर इनर स्कर्ट, ताकि चलते फिरते वक्त अगर खुद के स्टेप्स प्लीट्स पे पड़ते हैं तो इससे हमारी ड्रेपिंग खराब नहीं होती। एंड ये करने के टाइम सारी बॉर्डर को यहाँ से थोड़ी सी फोल्ड करके बाकी प्लीट्स के साथ पकड़ने होंगे। अब सिक्योर कर लें विद अ बिग सेफ्टी पिन एंड ये करते टाइम बॉर्डर ज़्यादा ना खींचे, नहीं तो ज़्यादा टाइट होने की वजह से बॉर्डर मुड़ जाती है। जस्ट मॉडरेट वे में इसे सिक्योर करें एंड यस यू आर डन। और अगर घंटों तक ऐसे अगर आपको साड़ी ड्रेप करके रहना है तो ऑलवेज डू फॉलो दिस स्टेप एंड बाहर से सिर्फ प्लीट्स पे ही पिन ना लगाए बल्कि सिक्योर इट थ्रू योर पेटीकोट इंस्टेड एंड तरह योर नीट एंड क्लीन ड्रेप इज रेडी टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज ड्रेपिंग एंड लेट मी शो यू साइड एंड पीछे से कैसे लग रही है। एंड एज यू कैन सी द टाइट फिट ड्रेपिंग इज कम्प्लीटेड एंड ऐसे स्लिम एंड ट्रिम दिखने के लिए डू फॉलो एवरी स्टेप्स आई शेयर्ड विद यू टुडे एंड आई बिलीव आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। नाउ लेट्स प्रोसीड टू स्टाइलिंग। फर्स्ट दिस झुमका जिसमें पिंक कलर की बीड्स है एंड ये एक ऑक्सीडाइज ईयर रिंग है गोल्ड टोन की एंड गोल्ड इसीलिए एज माई ब्लाउज हैज़ गोल्डन जरी वर्क अराउंड द नेक। एंड जी स्टाइलिंग करते टाइम ये सब छोटी छोटी डिटेलिंग का ध्यान रखें, एज साड़ी कोई भी अच्छे से पहन सकती है, आपसे बहुत बेटर पहन सकती है, बट द वे यू आर स्टाइलिंग इट, किन ज्वेलरीज के साथ आप ऐसे साड़ी को पेयर अप कर रहे हो, दैट मेक्स यू लुक एलिगेंट। एंड हाथों के लिए दिस पिंक फैब्रिक बैंगल्स विच आई पेयर्ड विद वन पेयर ऑफ कड़ा एंड आपने पिछले वीडियो में भी शायद ये देखा होगा, ऐसे प्लेन बैंगल्स को मैंने रिच लुक देने के लिए ये दोनों कड़ा यूज़ करा है। एंड दिस टू रिंग्स वन इज बिगर देन द अनदर एंड वो मैंने जिन हाथ में सिंपल वॉच पहनी है उसमें पहन लिया है टू इक्वलाइज द लुक, नहीं तो राइट हैंड ज़्यादा स्टब दिखेंगे, बड़ी रिंग फिर इतने सारे बैंगल्स, यू नो राइट व्हाट आई मीन। तो ज्वेलरीज लाइट पहनो मगर बी स्पेसिफिक विद द स्टेटमेंट। और आप मेरे चैनल के कंसिस्टेंट व्यूअर हैं तो आपको तो पता ही है, लेकिन नए फ्रेंड्स को बोल दूँ मैं अपने हर एक साड़ी ड्रेपिंग वीडियोस में ड्रेपिंग के बाद उसके साथ बेस्ट पॉसिबल वे की स्टाइलिंग आइडियाज़ भी शेयर करती हूँ। और आपको ढूंढ ढूंढ के एक्सेसरीज या ज्वेलरीज खरीदने में परेशानी ना हो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइंग लिंक्स भी शेयर करती हूँ। तो आपको कुछ भी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल के हर वो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, आपको बहुत सी प्रोडक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो आई होप यू लर्न माई टूडेज साड़ी ड्रेपिंग एंड स्टाइलिंग। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन ताकि नई कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। एंड वीडियो यूजफुल रहने से प्लीज़ एक लाइक कर दो एंड इट हार्डली टेक्स वन सेकेंड। एंड कमेंट्स पे अपने व्यूज़ पे शेयर कर सकते हो इफ़ यू वांट। और हाँ, वीडियोज़ अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। नाउ आई विल बी टेकिंग लीव टुडे टू कम विद अनदर वीडियो ऑन द नेक्स्ट डे। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।